जिशान खान और विनीत कक्कड़ की वाइल्ड कार्ड एंट्री, फैंस बोले इतने वाइल्ड कार्ड क्यों, क्या नेक्स्ट ईयर तक चलेगा शो। रियलिटी शो लॉकअप में वाइल्ड कार्ड एंट्री दनादन हो रही है। पहले वाइल्ड कार्ड अली, दूसरे वाइल्ड कार्ड चेतन हंसराज और उसके बाद डबल वाइल्ड कार्ड एंट्री मंदाना करीमी और आजमा फला के रूप में हुई। और अब एक बार फिर डबल वाइल्ड कार्ड एंट्री देखने को मिल रही है, जहां बिग बॉस ओटीटी के कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट जिशान खान और टीवी एक्टर विनीत कक्कड़ शो में प्रवेश करते हुए नजर आए हैं। दोनों की शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें कि जिशान खान बिग बॉस ओटीटी में नजर आए थे और प्रतीक सहजपाल के साथ उनकी फिजिकल फाइट की वजह से वो शो से बाहर हो गए थे। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जिशान का कंगना की लॉकअप में सफर कितनी लंबी दूरी तय करता है, या जिशान एक बार फिर अग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं। वहीं विनीत की अगर बात की जाए तो वो टीवी सीरियल राधा कृष्ण में तक्षक के किरदार में नजर आ चुके हैं। टीवी सीरियल जिद्दी दिल माने ना में भी वो विलन की भूमिका में नजर आए। इसके अलावा वो माइथोलॉजिकल और सुपरनेचुरल टीवी शोज में नजर आ चुके हैं। कंगना की जेल में उनका प्रदर्शन कैसा रहता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से कंगना की जेल में दनादन वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही है, शो के दर्शक और फैंस काफी हैरान है। सोशल मीडिया पर फैंस ने कमेंट किया है और ये पूछा है कि क्या ये शो अगले साल तक चलने वाला है, जो इतने सारे वाइल्ड कार्ड्स की एंट्री कराई जा रही है। आपको बता दें कि जिस तेजी से वाइल्ड कार्ड की एंट्री हो रही है, उसी गति से कंटेस्टेंट्स को शो से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा रहा है। पिछले हफ्ते भी डबल एविक्शन हुआ था और इस हफ्ते पहले ही दो सदस्य बाहर जा चुके हैं और रविवार के एपिसोड में एक और के जाने की संभावना है, यानी इस हफ्ते ट्रिपल एविक्शन की संभावना है। शायद यही कारण है कि इतने सारे वाइल्ड कार्ड्स की एंट्री कराई जा रही है। अब देखना ये होगा कि वाइल्ड कार्ड्स की एंट्री का सिलसिला यहाँ थमता है या फिर ये आगे भी बदस्तूर जारी रहता है। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ।